दुनिया वालों, फंक्शन के बाद रूबी जी हैं हमारे साथ। रूबी जी छोटी सी टम्मी लेके घूम रही हैं। हाँ जी रूबी जी, कितना नंबर ब्लॉग है और क्या जानकारी देंगे? हाँ आज ब्लॉग नंबर 5 है। जी आज पहला जो मेरा मेन टॉपिक है वो है बीपी इन प्रेगनेंसी। हाँ जी इसके ऊपर आज मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, हाँ अपनी जी बहनों को बताना चाहती हूँ कि देखिए जो बीपी है वो ऐसा नहीं है कि अचानक में हो जाता है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हाँ हैं जी जिसकी वजह से हमें बीपीज हो जाते हैं। तो काम करते करते बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा पहले बैठ के बताना पहले चाहती हैं? बैठ के कुछ बता हाँ हाँ दूँ, ठीक है, कुछ बताइए। इम्पोर्टेंट बात है हाँ उसके जी बाद फिर हम काम करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्टली तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये बीपी ऐसा नहीं है कि मतलब एक आम समस्या है, इसको लेके परेशान ना हो पहली चीज। दूसरा जो ये बीपी होता है जनरली ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो या तो आपको पहले से बीपी की प्रॉब्लम हो, और अगर आपको पहले से बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये जनरली जो लोगों में औरतों में प्रेग्नेंट औरतों के अंदर ये 20वें हफ्ते के बाद शुरू होती है ये प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के होने के कारण क्या है, जो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आई क्यों ये प्रॉब्लम। तो जनरली ये प्रॉब्लम या तो आपकी हेरिडिटी की वजह से आती है कि आपके घर में आपकी मम्मी आपकी सिस्टर्स को किसी को पहले से बीपी की प्रॉब्लम रही हो तो हेरिडिटी के कारण ये बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मान लीजिए वो चीज़ नहीं है तो सेकेंडली क्या होता है कि आपके खान पान आपके रूटीन्स बदलने की वजह से बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पैर रख तीसरा लीजिए आराम से, कोई हाँ प्रेगनेंसी में पैर लटकाने नहीं होते, आराम से रिलैक्स होकर जी बहनों को बताओ। जी जी और तीसरा इसका सिम्टम्स हो सकता है बीपी आपका हाई होने का कि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, या आप तनाव महसूस कर रहे हैं घर में, या फिर आपने खाने की डाइट में शेड्यूल में जो आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कैल्शियम वगैरह की या आपके पोटेशियम या मैग्नीशियम की आपके शरीर में कमी हो गई है। क्योंकि वैसे ये बहुत आम समस्या है, तो अब ये कि इसको डायग्नोज कैसे किया कैसे पता चला, तो देखिए जनरली जो बीपी की समस्या आती है अगर आपकी एज बिलो 20 है तो बीपी की समस्या प्रेग्नेंट लेडियों में पाई जाती है, या आपकी एज 40 के ऊपर है तो ये बीपी की समस्या प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है, या फिर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, या आप तनाव बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या आपका आपके शरीर में कैल्शियम की या इन सब चीज़ों की बहुत कमी हो गई है, या हेरिडिटी के कारण मैं कुछ इसके कहना चाहूँगा कि नॉर्मल बीपी 80 तो नीचे का होता है और ऊपर वाला, 120 हाँ 80 120। अब एक चीज़ याद जी रखो कि इसमें 10 10 तो जोड़ी लो कलयुग के अंदर आबो जी हवा के कारण, मैं जी 90 130 तक तो नॉर्मल माना जाता है हाँ कि हम जी कलयुग में जी रहे हैं। हाँ जी हाँ अब किसी जी को माँ बहन की गाली दे दो तो 20 ऊपर नीचे वैसे ही हो जाता है, कुछ बेचारा डरपोक है तो नीचे मतलब बैठ ये जाता कि है। खुश रहो इसमें हाँ मतलब कि ज़्यादा 100 140 तक तो नॉर्मल है, हाँ 140 के ऊपर बढ़ना शुरू होता है, 150 160 वहाँ खतरे की घंटी बज गई, वहाँ जी। लंका लगने की संभावना हो जाती अब है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं हाँ तो मैं इसके बीच में इसलिए बताता हूँ कि आपको सांस मिल सके, समझ जी गए ना, कि लय ताल बनी रहे। थैंक यू सर शशि जी थैंक यू हाँ। मैं इसका घर वाला शशि भूषण गर्ग, लोग पूछते आदमी कौन घूम रहा है संग संग, कि मैं इसका पति देव हूँ, इसके साथ जी पूरे 7 फेरे लिए हैं गिन शशि के। जी हमारे पति देव हैं और ये रूबी जी हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट MBA MPhil बहुत सारी डिग्रियां हैं। जब ये पैदा हुई तभी लैपटॉप पे बैठ के पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी थी इन्होंने। हाँ जी आगे बताइए। देखिए जब बीपी की समस्या अगर मान लीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ जाती है तो इसका लेडीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा तो लेडीज़ पे जनरली वही के आईज़ पे इम्पैक्ट आ सकता है, या आपकी किडनीज़ पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपका ब्लड प्रॉपर बच्चे के पास नहीं पहुँचेगा, तो इसको आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और बच्चे पे इसका मेन इम्पैक्ट क्या आता है तो देखिए इसमें अर्ली प्री मेच्योर प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बीपी आप ऐसा नहीं है कि आप बीपी कम करने की दवाइयाँ खानी शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता, इसमें आपको नॉर्मल चीज़ों से अपने रूटीन को अपनी एक्सरसाइज के थ्रू या डाइट के थ्रू ही इसको कंट्रोल करना होता है बीपी हाँ, को। इसमें जो सबसे बड़ा दुश्मन है देश का नमक, टाटा नमक। टाटा नमक हाँ हाँ मतलब इसमें मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आपको नमक नहीं खाना है और नमक जरूरत भी सोडियम पड़े तो हाँ सादा मतलब नमक लेना है। सोडियम आपको हाँ मतलब नमक आपको एकदम से या तो बंद करना है, चिकनाई बंद करनी है, तला भुना बंद कर रहे हैं, ये सारे एकदम से प्रिकॉशंस आप और कर नमक रहे को हैं। नमक मत बोलो, सोडियम बोलो, साल्ट सोडियम सोडियम की सोडियम नहीं खा रही मैं आजकल, सोडियम छोड़ दिया मैंने। फिर जी क्या खा रही जी हूँ मैं, खा रही हूँ सादा नमक, रॉक साल्ट। और दूसरा जो आपका बेबी है उसके प्लेसेंटा से बेबी को ना ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके बेबी का जो विकास हो रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड जा रहा है उसकी वजह से ही बेबी परसेंटा को समझ लीजिए कि माँ के पेट में एक डंडी लगी होती है बच्चे के पेट से और माँ की बॉडी से चिपकी होती है, तो उसमें खाना पीना ऐसे ब्लड के तौर पे जाता है, जब बीपी शूट करता है तो वो परसेंटा को बाईपास कर जाता है,
जैसे होता नहीं जब आप कार 200 पे चला रहे हो तो छोटे छोटे स्टेशन दिखते ही नहीं है, तो इसके लिए बीपी वही मंदा मंदा चलना चाहिए बॉडी के अंदर नॉर्मल। और तीसरा बेबी की ग्रोथ रुक जाती हाँ है, तो फिर डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि भाई बेबी को प्री मेच्योर डिलीवरी करा दी जाए और फिर मदर का बीपी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मदर को भी दिक्कत आती है और बेबी को भी दिक्कत आती है, दोनों को। तो बीपी को हमें कंट्रोल करना मतलब बहुत ज़रूरी बाजार में है, मशीनें आती हैं अच्छी अच्छी तो एक उसके कंपनियां लिए ओरियन उसकी मशीन ले जी लो, बिल्कुल ओरियन कंपनी की 2,000 रुपये मशीन की आती है और 4-5 साल ले लो उसके बढ़िया वाले। हाँ जी। तो इसमें बीपी एक तो मॉनिटर करें आप दिन में कम से कम 4-5 बार, जब भी आप और क्या कहते हैं थोड़े से अपनी प्राणायाम बढ़ाएं, और प्राणायाम लेकिन बहुत तेज़ी से ना करें। मान लीजिए सपोज अगर आपको अनुलोम विलोम करना है तो बहुत तेज़ नोजल मतलब बहुत तेज़ सांस नहीं लेनी है, स्लोली स्लोली हाँ करें। शेखर वो बीपी की मशीन अभी लाना, वो भी एक डेमो भी दे देते हैं जी साथ मैं साथ। आपको बीपी की मशीन भी हाँ दिखा देती हूँ, आप घर में आसानी से अमेजोन से कहीं से भी मंगा अंदर पड़ी सकते हुई हैं होगी कहीं। और अपने बीपी को डायग्नोज कर सकते हैं। और उसका इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपको बीपी की समस्या आ गई है तो एक तो आप डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करें, लगातार नहीं उधर ही कंसल्ट रखी हुई अंदर करें, बेड पे होगी या उस पे होगी। और दूसरा डॉक्टर्स को, क्योंकि ऐसे में ना फिर वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बेबी की सोनोग्राफी के लिए, बेबी की वो ग्रोथ चेक करते हैं कि बेबी को प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, बीपी से बेबी को या बच्चे को या मदर को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। क्योंकि इसमें क्या होता है जब लेडी को बीपी की प्रॉब्लम आने लग जाती है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके ब्लड काउंट कम होने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर जो आपका ब्लड है वो डिस्टर्ब शेखर जी हेल्प होना। करने आए हैं, शेखर जी आइए डॉक्टर बनिए, ये है हमारे डुप्लीकेट डॉक्टर शेखर चौहान, मंगरौली पचरौली में इनका एक चैनल चलता है, खेती के बारे में बताते रहते हैं। देखिए अभी तक हाँ मेरा 6 मंथ्स ये तक वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई, दिखा दो कंपनी कौन सी है, ये सबसे कौन अच्छा कौन मोनीटर है, ये जर्मनी की कंपनी है और सबसे अच्छा मोनीटर है ये, आप चेक कर लो नेट पे, 1,000 रुपये से लेके 2,000 रुपये में मिल जाती है, अमेजोन से मंगा लो, वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा राइट और लेफ्ट दोनों हाथों का अलग अलग आता है, आपको राइट हाथ वाला नापना है बीपी, राइट है ये कि लेफ्ट हाँ ये है? राइट है हाँ राइट और लेफ्ट में दोनों में अंतर आता है, तो वो ध्यान रखें। और इसकी डूंडी है जो ये आपके इसी एंगल में होनी चाहिए। मतलब हल्का हल्का हाँ करके ऑलरेडी हाँ वो भी टाइट करेगा, हाँ हाँ चलो ठीक है, ये डूंडी आपकी इधर होनी चाहिए। हाँ क्योंकि भी वो भी टाइट करेगा ना। नहीं थोड़ा टाइट ही देखिए बांधा जाता रूबी जी, इतना टाइट नहीं से तो इसके नहीं खींच नहीं सकते फिर उससे वो प्रेशर सही नहीं आएगा अगर आप लूज छोड़ेंगे इसको। अब ठीक है हाँ तो नस पकड़ रहा है जी अभी, हाँ थोड़ा दर्द भी होगा जिन्होंने नहीं नापा है। कुछ जानकारी मैं भी दे दूँ कि कुछ औरतों को तो बीपी है ही है, कोई भी उम्र है तो उनका तो बीपी बढ़ना ही बढ़ना है, नॉर्मली जो बीपी का पंगा शुरू होता है ये होता है 7वें महीने के बाद, कि 6 महीने तो ठुमक ठुमक चल रहा है प्रोग्राम कुछ पता ही नहीं है, और शेखर 7वें महीने में बाजे बजने शुरू हो जाते हैं और आदमी के घर वालों का दिल धाए 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 है कि क्या होगा, होना वाना कुछ नहीं, सब बढ़िया होना होता है, तो डरना नहीं होता। ये देखिए जी नाप ताप कर रहा है जी अपना, जी ये दिखा रहा है 120-124, अभी नस पकड़ रखी है इसने, जैसी नस छोड़ेगा तो सारी रीडिंग आ जाएगी, तो 20 की टेंशन नहीं लेनी है, ऊपर अगर 140 आता है नीचे 100 आता है तो टेंशन नहीं है। देखो अब 6% बढ़ गया क्योंकि वीडियो बन रहा है, नहीं तो ये नॉर्मल है, ठीक है ना जी। तो बेसिकली देखिए मेरे को, मैं पहले से बीपी की पेशेंट नहीं हूँ हाँ और 6 मंथ्स तक की प्रेगनेंसी तक मुझे बीपी मेरा वही 120 और 80 के नियर ही रहा, ये हाँ भी मेरा 1 हफ्ते से बीपी डिस्टर्ब हुआ है, तो कल मैंने डॉक्टर को डायग्नोज देखो जी कराया चेले का भी दिखा रहे हैं, चेले का पूरा 80 और 100 ही आएगा, अगर सुबह बीवी ने डांटा होगा तो बड़ा दिखाएगा, तो ये बीवी बीवी की लड़ाई का भी चेक करने का तरीका है ये। जी 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 तो लेकिन आपको बीपी को कंट्रोल करने के लिए अपनी क्या नींद, खाएं? देखिए मेन तो एक तो अपनी 8 आवर्स की अपनी नींद कम्प्लीटली हाँ प्रेगनेंसी में, दूसरा आप सोडियम ना ले बिल्कुल आ जा भी, आ जा चिकनाई ना ले बिल्कुल भी, इस टाइम पे तला भुना थोड़ा अवॉइड करें हाँ और खुश रहें सबसे ज्यादा। खुश की ये टॉफी मिलती है बाजार में, ले आए 1 रुपए की 5 आती है, चूसते रहे 2-2 घंटे बाद खुश रहने की टॉफी। खुश रहें हाँ और खाना चिकनाई वाला तो बिल्कुल भी ना ले, हो सके तो खुद ही बना के खा लें, हाँ किसी पे डिपेंडेंट अच्छा ना जब ये रहे। सब उबला सुबला खाओगे बिना नमक के तो मुंह करेगा कड़वा कड़वा लगेगा, पर 5-6 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। तो शेखर जी का चल रहा है अभी अभी इसका नस छोड़ेगा, देखना 80 और 100 आएगा, नीचे 80 ऊपर 100, तो ये हम आपको डेमो करके दिखा रहे हैं शेखर। 80 हाँ 80 120 होता है, तो ऊपर आया 13 ज्यादा है नीचे 10 ज्यादा है, क्यों भैया सुबह सुबह बीबी से लड़के आया तो। चलो जी एक और मरीज को बुलाओ, उसका भी चेक करो डेमो के लिए, बिठाओ जी हाँ मुड्ढा ले लो, हम आपको सारा चेक करके दिखाते हैं अलग अलग बंदों पे कि सचमुच ये इफेक्टिव है या नहीं है। हाँ जी रूबी जी बाकी हाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें
जो प्रिकॉशन आपको लेना है, एक तो डायग्नोस करते रहे, डॉक्टर से रेगुलर मिले, और डॉक्टर अगर आपको सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं तो वो करा के तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इसके इससे रिलेटेड अपनी मतलब केयर करें। जैसे बीपी आपका बहुत कम हो जाए तुरंत पति को बुला के डांटे, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तूने मेरे से शादी कर ली, मैं कहाँ जाऊँ अब, है मेरा पेट फुला दिया है, बिल्कुल नाचती खेलती तो अच्छी नहीं लग रही थी मैं, है आराम से। देखो जी, हमने एक और वॉलंटियर बुलाया है तो उनकी भी जांच हो रही है। अब इसके पति से लड़ाई नहीं होगी तो सही आएगा, 80 और ऊपर 120 तो घर में लड़पड़ के आई है तो बड़ा हुआ आएगा। ये फार्मूला होता है बीपी चेक करने का, नीचे 80 आएगा ऊपर 120 आएगा, परफेक्ट आएगा जैसे नस छोड़ेगा। तो ये मशीनें घर में रखें लाके, थर्मामीटर हुआ, बीपी की मशीन, शुगर की मशीन, ये 7वें महीने में बहुत ज़रूरी है। ये लो, इसका तो बेड़ा ही घर का तो डरी बैठी है, बीपी डाउन आया इसका, अब इसको नमक घोल के पिलाना पड़ेगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता बीपी डाउन है। हाँ, इसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, कोई वॉलंटियर परेशान है, बीपी डाउन है, इसको नमक घोल के पिलाया जाएगा अभी। ऊपर का और नीचे का दोनों ही 20-20 पॉइंट्स डाउन में। चलिए जी, तो ये है। हाँ, जब आपको घबराहट हो, मन ना लग रहा हो, घर वाले कहेंगे तू तो बेकार है, तो बीपी डाउन भी हो जाता है, ऐसे में नमक घोल के चम्मच पी लो। तो इसमें बीपी में नमक चम्मच घोल के पियो, तो हेडेक की समस्या भी आती है। हाँ, तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बीपी होने लग गया है और हेडेक हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं और वो आपको उस टाइम पे कोई भी मेडिसिन रिकमेंड कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेगनेंसी एंड योर। बाकी एक बात और भी याद रखेंगे, जैसे जो जिनकी उम्र अभी 40-50 साल है वो सारे ऐसे पैदा हुए थे तब कोई मशीनें कुछ नहीं होता था और ऐसे बच्चे आ जाते थे, दाई होती थी उसको 10-5 रुपये का गुड़ दे दो, पर उसमें क्या होता था कि मृत्यु दर ज़्यादा होती थी शिशु की भी और माँ की भी। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट होने से क्या है कि मृत्यु दर हम जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। इमीडिएटली उसको डायग्नोज करके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और मतलब समय रहते जैसे कहते हैं ना सुरक्षा उसकी की जा सके। तो यही मेरा बहनों से है कि बीपी को लेके परेशान ना हो, बट लेकिन उसको मॉनिटर करके और डॉक्टर को अपने गायनोलॉजिस्ट को तुरंत रिकमेंड करें और बताएं कि ये मेरा है समस्या। हमें डरने की जरूरत नहीं है, चिल रहे और बीपी मान लो चुनू पुनू बढ़ा है तो हल्का फुल्का काम करें। अब रूबी जी हल्का फुल्का आपको काम बताएंगी। टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियोस में कुछ कुछ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो सभी लेडीज चिंता करती है उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देती रहूंगी। आज का मैं अपना टॉपिक यहीं खत्म करती हूँ, मैं नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ बढ़ती हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट ब्लॉग है को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आगे के फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते। आप खुश रहने का तरीका बताएंगे, कुछ बना के दिखाएंगे और रूबी जी कुछ बना के दिखाइए। आइए जी किचन की तरफ बढ़ते हैं रूबी जी के, और रूबी जी आपको बना के दिखाएंगी। हाँ, मैडम को हाथ पकड़ के हेल्प जरूर करें, ऐसा नहीं है कि छोड़ना नहीं है मैडम को। चलिए जी, आज रूबी जी आपको दिखाएंगी खुश रहने का तरीका, फीकी गाजर का हलवा। रूबी जी के साथ साथ चल रहे हैं हम बिल्कुल, ये बताएंगी कि गाय के दूध से गाजर का हलवा कैसे बनाना है। चलो जी रूबी जी आइए, ये देखिए हमें OTP से स्कीम थी, गाजरें फ्री में मिल गई और कुछ कंपनी दूध प्रमोट कर रही थी तो उससे दूध फ्री में मिल गया, तो फ्री के माल से बढ़िया चीज़ बनाई जाएगी। पहले गैस जला लो, गैस जलाने के बाद आप दूध डाल दो। ठीक है जी रूबी जी, क्या बना रहे हैं? मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो देखिए जैसे इसमें प्रेगनेंसी के दौरान आपको की भी समस्या आ जाती है। हाँ, शुगर तो बढ़नी शुरू हो जाती है, शुगर लेनी नहीं है, तो ऐसे में आप गाजर तो आप खा ही सकते हो। हाँ, और मिल्क भी आप पीते ही हो, तो आप गाजर को अगर मिल्क के अंदर उबाल दोगे तो वो भी मीठा भी एहसास देगा, आपको ये भी नहीं रहेगा कि मैंने मीठा नहीं खाया। तो आपको यहाँ पे गाय का दूध लेना है, वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है जी। जो भी गाय का दूध मिलता हो, जैसे ये भी हमने एक गाय का दूध मंगाया है काउ मिल्क, तो अब इसे हम यूज करना है। गाजर हमने कद्दूकस कर ली है, ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, आज डेट हो गई है 11/3/2022, डेट डली हुई है इसके ऊपर। ठीक है जी, चलिए जी बस अब इसमें अपनी गाजर डाल देंगे और धीरे धीरे इनको हम खदकाते रहेंगे। बहन तो दूसरी पन्नी खोल के दूसरे में दूध डालो, ये लो खोल के डालो, ये डालो खोल के, दूध का ध्यान रखें कि डेट एक्सपायर ना हो, 11/3/22 का ही दूध है, 11/3 को ये वीडियो शूट हो रहा है।
इसे मुट्ठी भर भर के भी डाल सकते हो, वो आपका मन है। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ और हमेशा खुश रहो। तो रूबी जी मैसेज दीजिए, धीरे धीरे आपका हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। हाँ वो बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहे, क्रिएटिव करते रहे, आपका मन भी लगे और टाइम भी आपका। ऐसा ना कि हाँ मैं तो प्रेग्नेंट होगी, मेरे तो पेट से होगी, मेरे पैर भारी हो गए, हाँ मैं तो हिलूंगी भी नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हिलते जुलते रहना बहुत जरूरी है और कुछ ना कुछ